Excuse me? सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर हमें चलना पड़ेगा कोर्ट, आज फाइनल हियरिंग है। हाँ, मैंने फोन पर बताया तो था आपको। मुझे फोन पर कब? मुझे नहीं बताया आपने। मैडम आप ही बता देते, मैंने तो मैसेज किया था और रीड भी दिखा रहा था। मैसेज? मैंने नहीं तो। वो सब छोड़िए और जल्दी चलिए, अगर लेट हो गए तो पता नहीं फिर कब की डेट मिलेगी। वैसे भी जज साहब छुट्टी पर जाने वाले हैं। आज ही आपको पेपर साइन करना पड़ेगा और आज ही तलाक हो जाएगा। भाई भाभी, मेरी शादी है और आप दोनों नहीं रहोगे तो? मैडम जल्दी चलिए प्लीज। प्लीज आइए आप लोग। नहीं जाना मेहर, कह दो कि नहीं जाना। डेढ़ महीने तक जज साहब नहीं है इंडिया में, प्लीज आइए आप लोग। मैंने सोचा भी न था ऐसा दिन भी आएगा, मेरा साया भी मुझसे कभी दूर जाएगा। मन में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा हर पल है, दिल को दीपक की तरह वो जलाता कहलाता है। ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है।
कभी धूप कभी है छाया, ये कोई समझ नहीं पाया, खुद रोता है सबको हंसाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। जल्दी आइए, इसी टैक्सी में कोर्ट चलते हैं, और पार्किंग का टाइम भी बचेगा, पहले ही देर हो गई है। जल्दी आइए, जल्दी करिए प्लीज। फैमिली कोर्ट चलो भैया, अगर टाइम से पहुंच गए कोर्ट तो आज ही आप लोगों को डिवोर्स मिल जाएगा। देखिए, माफ कीजिएगा, जो कुछ हो रहा है उसका जितना दुख आपको है उतना मुझे भी है, लेकिन अगर शादी मुहूर्त पे ना हुई तो सुखमनी बहन, मुझे लगता है कि रुक्मणी जी ठीक कह रही है, हमें रस्मों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। भगवान, ये कैसा दिन दिखाया आज, यहाँ एक रिश्ता जुड़ रहा है तो दूसरा टूट रहा है, ये दिन क्यों दिखाया आज भगवान आपने? क्यों पांडे जी, ये नया एडेंडम पढ़ा आपने, क्या वाहियात बात है। वाहियात क्या, सही तो है, मैं तो सहमत। अरे कमाल करते हैं पांडे जी आप भी, अरे इस नए कानून को कौन मानेगा, सरासर बेवकूफी है ये। अरे शर्मा जी, अपना फायदा होना चाहिए। ये तो सही बात कह रहे हैं आप। तेरी लिपट के फरियाद इतनी करे। अरे भाई क्या हुआ, टैक्सी क्यों रोक दी? क्या पता सर, स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे यार ऐसा मत बोल, हमें टाइम पर पहुंचना है। मम आप बैठिए, टेंशन मत लीजिए। भाई चलाओ यार जरा जल्दी। चलो 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 जल्दी। नाक्ष, प्लीज। नाक्ष। नानी, कार्तिक नारा बच्चा, कार्तिक को नारा बजाएगा, बुलाओ उन्हें। कहाँ है कार्तिक और नारा? जमाई साहब, चीकू, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? दरअसल नानी, वो कोर्ट में गए। कोर्ट? इसका मतलब मैंने जो सुना वो बिल्कुल सच है? ले रहे हैं दोनों? हे भगवान, बच्चे इतने
इतनी बड़ी बेवकूफी करने जा रहे हैं और आप में से किसी ने रोका भी नहीं उन्हें। नहीं नानी, हमने रोकने की पूरी कोशिश की पर क्या पर? कैसा परिवार है, कैसे रिश्ते हैं? घर के छोटे इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं और आप सब बड़े हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। आ जा मैसा, मनीष जी, सुहासिनी जी, आप चिको, तू भी हार मान ली है क्या? आप सब ने मनमानी करने दे रहे हैं बच्चों को। आंटी, हम लोगों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर वो अपनी जिद पर ही अड़े रहे। तो बेटा, तुमने मुझे बताया होता ना, अच्छे से खबर लेती मैं दोनों की। नानी, हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि नाना जी की तबीयत, जानती हो, जानती हो नाना जी की तबीयत खराब है, बिस्तर में है वो। लेकिन बेटा, ये बात भी तो उतनी ही ज्यादा जरूरी है ना। मैं तो जब से मालूम चला कि दोनों उदयपुर वापस आ गए हैं, मिलना जुलना शुरू हो गया है, तब से उम्मीद लगाए बैठे हो कि अब अच्छी खबर आएगी तब। बल्कि मैं और तुम्हारे नाना जी तो ये सोच रहे थे कि एक बार उनकी तबीयत ठीक हो जाए, हम दोनों आकर सबसे मिलेंगे। और ये नहीं समझ में आ रहा मुझे, जाने कैसे दिया आप लोगों ने उन्हें, रोका क्यों नहीं? अब वो बड़े हो चुके हैं, बच्चे नहीं रहे कि हाथ पकड़ के उनसे कुछ करवाया जा सके या उन्हें रोका जा सके। माना कि वो बच्चे नहीं है मनीष जी, लेकिन आप तो पिता है ना, कर्तव्य बनता है आपका, अधिकार है आपका कि बच्चों को गलत करने से रोके। अगर किसी ने मन में ठान ही लिया हो कि वो कुएं में कूदेंगे तो फिर उन्हें कौन रोक सकता है? कब तक रोकेंगे आप उन्हें? हर रिश्ते की मर्यादा होती है ना माँ, बस उसी में बंध के रह गए। नहीं मानती मैं इस मर्यादा को जमाई सा। चीकू, गाड़ी निकालो जल्दी। नक्ष, गाड़ी निकालिए। हाँ जी चुप, जल्दी चाहिए, शायद नानी उन्हें रोक ले। चलिए। तुम ही कुछ कह दो ना यार, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा। मैं भी कहां समझ पा रही हूँ कुछ, क्या करें कार्ते? तुम ही बताओ ना यार, तुम ही बताओ। तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे, ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाओ किसे। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने, ओ मोरे सैया नैना ना रूठे बने। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।